उत्तर प्रदेश मिर्जापुर हलिया थाना के मतवार चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेलाही ग्राम रामपुर नवडिया में रविशंकर पाल और अन्य ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त हुई कि 750 शौचालय का रुपया निकाला गया, लेकिन 230 शौचालय बनवाए गए वह भी पूर्ण रूप से नहीं बने हैं, जिसमें 520 शौचालय का पैसा निकाला गया है, जिसके लिए ग्रामीणों द्वारा ब्लॉक से लिस्ट निकलवाने पर पता चला कि 14 वित्त द्वारा हैंडपंप रिबोर सार्वजनिक चबूतरा इंटरलॉकिंग खरंजा सामुदायिक भवन बाउंड्री को लेकर 70 लाख रुपए का घोटाला किया गया है, जिसमें समस्त ग्रामीणों ने जिलाधिकारी महोदय से मांग की है टीम गठित कर इस घोटाले का जाँच कराया जाए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर से भूप नारायण मौर्य की खास रिपोर्ट। क्या नाम है जी? सर मेरा रविशंकर नाम। रविशंकर, क्या समस्या है? सर मेरा समस्या है कि मैंने मेरे ग्राम सभा बेलाही में कुल 750 शौचालय बनवाए गए थे। 750 शौचालय बनवाए गए थे मतलब सूची में नाम से पैसा निकाला गया है जी जी, जिसमें शौचालय 250 बनवाया गया है जी, जी। कितना बना था, कितना निकाला गया पैसा? कुल पैसा 1,01,09,00 रुपए निकाला गया है। अच्छा, कितने शौचालय का? 750 शौचालय। 750 शौचालय बना कितना है? 250 बना है, बाकी सब घोटाला कर लिया गया जी, घोटाला कर। अच्छा, तो इस बात को लेकर आप किसी उच्च अधिकारी को या आप नागरिक के नाते आप लोग जांच नहीं करवाए इसका? हाँ, जांच करवाए, डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया तो उसमें जांच कराई गई, जिसमें 4 अधिकारी गठन हुए थे जांच करने के लिए, जिसमें जांच की अधिकारी हम सब जनता की मौजूदगी में जांच कराया गया, जिसमें 70 लाख का घोटाला पाया गया। फिर दोबारा उस पर कार्रवाई नहीं की गई, फिर दोबारा मैंने एप्लीकेशन डाला। पहला एप्लीकेशन मैंने डाला था 5/2020 को, उसमें कार्रवाई की गई थी, यानी फरवरी में एप्लीकेशन जी, फरवरी में एप्लीकेशन दिए थे तो जांच की गई थी, एक बार जांच की गई, फिर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, फिर दोबारा मैंने एप्लीकेशन डाला 6/3/2020 को डाला, फिर अभी तक पेंडिंग। अच्छा, ये किसके यहाँ डाले हैं? ये डीएम साहब के यहाँ। डीएम अभी इसका जांच नहीं हुआ? अभी इसका जांच नहीं, फिर से आप जाकर के उन्हें जानकारी नहीं दिए कि हम डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिए जी जी, कई एक बार बोले। अच्छा, उन्होंने आश्वासन में क्या दिया आपको? आश्वासन में दिए कि हाँ जांच होगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, हुआ नहीं। तो अभी अच्छा, चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? हम चैनल के माध्यम से ही कहना चाहते हैं कि हमारी आवाज ऊपर तक उठाई जाए, हमारी समस्या का हल हो, हम गरीबों का पैसा जो मारा गया है हम लोगों का पैसा मिले। तो आप ये चैनल के माध्यम से किससे ये मांग कर रहे हैं? किसी से मांग करेंगे तब तो होगा जी। हम डीएम साहब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं चाहूंगा हमारी बात रखी जाए, हम लोगों की समस्या का हल किया जाए जी जी जी। चलिए ठीक है, देखिए। अच्छा भैया, ये बता रहे हैं कि यहाँ काफी लंबा घोटाला किया गया, बताए सही है? सही है। जांच करवाने के लिए जो है बता रहे हैं कि एक बार जांच हुआ था, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या सही बात है? अच्छा, अब ये कह रहे हैं जांच होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अरे घोटाला हुआ है, आप लोग जान रहे हैं? और बताइए समस्या है? हाँ जी सर, आवास, आवास की समस्या। आवास की क्या समस्या है? हाँ, आवास की समस्या है सर, मेरे ग्राम सभा बेलाही में, जिसमें पहले वाली आवास में कुछ घोटाला किया गया था जी जी। कितना? उसमें प्रधान जी 12 आवास यानी कि कुल मिलाकर 20 लाख रुपए का घोटाला किया गया था जी। 12 आवास में, 12 आवास में जी, डुप्लीकेट एक दूसरे का नाम, जैसे मेरे नाम आवास हो गई तो दूसरे से पैसा लेकर 20-25 हजार रुपए। अच्छा, तो आपका नाम तो सूची में आता होगा, सूची से कैसे बदल दिया गया? हाँ, सूची से वल्दियत से बदल देते हैं पैसा लेकर। और गरीब लोग आवास नहीं पा रहे हैं, गरीब लोग आवास नहीं पा रहे हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वाकई में जो गरीब हैं, गरीबों का। अच्छा, ऐसा आवास जैसा बदली किया गया, कितने पात्रों का बदल कर पात्रों को दिया गया जी? जी, पात्र को नहीं मिला, अपात्र को दिया मिला। तो ऐसा कितने लोगों का हुआ है? ऐसा मतलब 20-25 लोगों का हुआ है। 20-25 लोगों का? हाँ, वो बेहद गरीब हैं, जो नहीं पाए उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। और उनका जो आवास जिनका जो एक दूसरे को दिया गया है जी जी, जो अपात्र लोग हैं अपात्र लोगों को दिया जाए, जो पात्र लोग हैं पात्र लोगों को नहीं दिया गया। अपात्र लोगों के हाथों बेच दिया गया है पैसा लेकर। यानी जो पात्र हैं उनको, यानी इस ग्राम सभा में कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जो अपात्र लोग हैं उनके सभी यानी इस ग्राम सभा का लाभ मिल रहा है।
चलिए ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत पैसा ले रहे हैं साहब। हम आपके लिस्ट में ना आवास ने पैसा पड़े 20,000 पड़े, रुक दिया गया आधार कार्ड हमारे लिए। क्या नाम है आपका? राम सागर। राम सागर, क्या समस्या है साहब? हमारी समस्या ये है कि आवास हमारे नाम से आया है जी जी, और वो कागज प्रधान ने दूसरे के दर्ज करके। प्रधान है यहाँ के? प्रधान है कोमल प्रधान साहब। आपको कैसे मालूम है कि हमारा आवास है? हम कहे सर निसलवावा लिस्ट हमें तो वो कागज निसलाओ हमें। अच्छा, लिस्ट में आपका नाम कब निकला? हमारा नाम साहब हमसे 2,000 रुपया भी लिया गया विनायक पंडित के संघे। 2,000 रुपये कौन लिया? लेकिन प्रधान जी। प्रधान जी लिए? हाँ, जैसे उनका रहन मतलब कार्यकर्ता वो ही दिया गया जी जी। साहब हमारा 2,000 रुपये ले लेकिन हमके आवास नहीं मिला, दूसरे के दी दी। अब मांगत हन 20,000 रुपया, हम गरीब मनाई नहीं पावा। आवास पर 20,000 रुपए में यानी प्रधान जी मांग रहे हैं? हाँ, बेच दिए हमारे नाम से साहब। यानी आप 20,000 रुपए नहीं दिए तो पात्र है उनके हाथ से बेच दिया गया। बेच दिए उनके। चलिए ठीक है, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।